Design analysis and algorithm problems on Bayes notation. So before solving the question, आपको ये equation हमेशा याद रखनी है क्योंकि हम ये last video में कर सकते हैं. Before starting question, you must remember this equation जो कि हमने last video में की थी कि जो big O notation की equation होती है वो ये होती है, which means कि जो एफ एन फंक्शन है वो हमेशा लेस देन होना चाहिए सी इंटू जी एन के, और c की वैल्यू जो कि हम कांस्टेंट लेके वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और n की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू वन होना चाहिए. मींस n क्या होता है, नंबर ऑफ इनपुट्स, मतलब एक सिंगल इनपुट तो एटलीस्ट हमें लेना ही है, ठीक है, एल्गोरिथम को रन करके देखने के लिए या फिर हमें एनालाइज करने के लिए. और एफ एन जब हम फाइनल नोटेशन देंगे तो वो किस तरह से होगी, जो फाइनल आंसर आएगा एफ एन इज इक्वल टू ओ ऑफ जी ऑफ एन, ठीक है. तो क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द अपर बाउंड फॉर द एफ एन इज इक्वल टू 3n+8. 3n+8 है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक ऐसा जी एन फंक्शन फाइंड आउट करना है जो कि इससे ग्रेटर हो, और ये क्योंकि हम टाइट अपर बाउंड फाइंड करते हैं मीन्स जो वैल्यू है वो इसके नियर अबाउट होनी चाहिए, तो नियर अबाउट वैल्यू हम 4n ले सकते हैं, ठीक है. 4n अगर हम लेंगे तो यहाँ पर c जो है वो 4 है और gn जो है n है, ठीक है. तो यहाँ पर इक्वेशन में अगर हम पुट करें 3n+8 लेस देन इक्वल टू 4n, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 3n को दूसरी साइड ले जा सकते हैं, और ये क्या होगा 4n-3n विच इज इक्वल टू n, और दूसरी साइड हमारे पास क्या है 8 है. मीन्स यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो n की वैल्यू है वो क्या है 8 है. मीन्स यहाँ पर n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 8. n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 का मतलब क्या हुआ कि जो n नोट की वैल्यू है जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी कि एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जिसके बाद जो है चार्ट हमेशा सॉरी ग्राफ हमेशा क्या होगा जी एन का ऊपर इंक्रीज करेगा, हमेशा एफ एन के ग्राफ से ऊपर रहेगा, कर्व से ऊपर रहेगा, ठीक है. तो वो जो एन नोट है, हो सकता है आपको वो क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि सी की वैल्यू क्या है, एन नोट की वैल्यू क्या है, तो वो भी आप बता सकते हैं कि एन नोट की वैल्यू यहाँ पर क्या है 8 है, जिससे कि ग्रेटर होनी चाहिए एन की वैल्यू हमेशा, और सी की वैल्यू यहाँ पर हमने जो कॉन्स्टेंट लिया था वो है 4, ठीक है. अगर आप फाइनली ओ की फॉर्म में लिखें तो एफ एन इज इक्वल टू ओ ऑफ जी एन, और जी एन यहाँ पर क्या है एन, 4n नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 जो है वो हमने कांस्टेंट लिया है, ठीक है. ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द अपर बाउंड फॉर fn इज इक्वल टू n² + 1. अगेन हम सेम रिपीट करेंगे कि हमें इक्वेशन बनानी है कि ऐसा फंक्शन आइडेंटिफाई करना है जो कि इससे ग्रेटर हो बट नियर अबाउट वैल्यू लेनी है. तो नियर वैल्यू क्या हो सकती है 2n², ठीक है. इक्वेशन में पुट करते हैं n² यहाँ से लिया है n² + 1 लेस देन इक्वल टू 2n² n² यहाँ आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी n² और दूसरी साइड जो वैल्यू है वो है n. n जो है क्या लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहाँ पर n नोट की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू अगर हम देखें तो जो हमने यहाँ कॉन्स्टेंट लिया था वो क्या है 2, तो c इज इक्वल टू 2. इसको फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एफ एन इज इक्वल टू ओ ऑफ जी ऑफ एन, जी ऑफ एन हमारे पास क्या है n² 2 क्या है कॉन्स्टेंट है सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द अपर बाउंड फॉर एफ एन इज इक्वल टू एन टू द पावर ऑफ 4 एंड प्लस 100 इंटू n² + 50. अगेन सेम प्रोसेस रहेगा, एक हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे जी एन के लिए जो कि इससे ग्रेटर हो, नियर अबाउट लेनी है, इसलिए हमने क्या किया 2 × n⁴. अगर इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये क्या होगा कि 2n⁴ - n⁴ इज इक्वल टू n⁴. दूसरी साइड हमारे पास ये है. अब सी इसको थोड़ा सा सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो हम यहाँ पर हिट एंड ट्राई करेंगे. हिट एंड ट्राई मीन्स हम वैल्यूज जो हैं वो पुट करेंगे, बट हमें पता है कि जो वैल्यूज हैं, मीन्स वैल्यूज का मतलब क्या हुआ, n की वैल्यूज पुट करनी है और n हमेशा ग्रेटर वैल्यूज पुट करेंगे. मीन्स हम छोटी वैल्यूज पर वर्क ना करके हम बड़ी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि 10, इसे नीचे वाली वैल्यू रखोगे तो ये कभी भी यहाँ सेटिस्फाई होगा ही नहीं, तो हम 10 से स्टार्ट कर सकते हैं कि अगर हम 10 वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर 10⁴ क्या होगा 10,000, और यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो वो क्या होगा 10,000 + 50.
तो इस केस में भी अभी भी क्या है, एफ एन जो है ग्रेटर है सी इंटू जी एन से, बट हमें क्या करना है, सी इंटू जी एन को ग्रेटर दिखाना है, तो हम नेक्स्ट वैल्यू ट्राई करते हैं, एन इज इक्वल टू 11, और जब हम इस इक्वेशन में उसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि 14,641, और यहाँ जो वैल्यू है 1,250, विच इज लेस देन इक्वल टू दिस वैल्यू, मीन्स यहाँ पर सी इंटू जी एन जो है वो ग्रेटर हो गया, यहाँ पर एन नोट की वैल्यू जो है वो यहाँ है 11, एन नोट मतलब कि यहाँ जो वैल्यू है एन नोट, सी हमने अगर जो अगर याद होगा अपने लास्ट वीडियो में कि एन नोट से ज़्यादा होना चाहिए हमेशा एन, और वो जो एन नोट है वो है 11, और कांस्टेंट अगर हम देखें तो वो है 2, ठीक है। ओ की फॉर्म में लिखते हैं, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ओ ऑफ जी एन, जी एन इज एन रेस्ट टू पावर 4, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं ओ ऑफ एन रेस्ट टू पावर 4, ओके।